रुको, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। कल अदालत में मैं केडी सर के खिलाफ गवाही दे दूंगा। तो याद रखना, अगर तुम मुकरे तो अदालत से निकलते ही तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तुझे तो मैं अब इसी वक्त मार सकता हूं, लेकिन तेरे मरने से केस केडी का पलटना नहीं चाहिए, वरना पुलिस को शक किसी और पे हो जाएगा। और अपनी भलाई के लिए जैसा कहता हूं वैसा कर। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, कल अदालत में वही होगा जो तुम मुझे कहने के लिए कहोगे। तो तुम नीरज मारवाओ और जो मरा वो सूरज मारवा। जी। और अब तक हम ये समझते रहे कि जो मरा वो नीरज मा नहीं, वेट 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 वेट, वेट। नीरज जी, क्या कोई सबूत है आपके पास कि आप ही नीरज मारवा हैं? वकील साहब, सबूत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपनी ये ब्लड ग्रुप रिपोर्ट की फाइल आपको दिखा सकता हूँ, जिसके हिसाब से मेरा भाई सूरज ओ पॉजिटिव था और मैं नीरज ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव, यानी कि आप ही नीरज मारवा है। जी। तो फिर ये बताइए नीरज मारवा जी, ओ पॉजिटिव नीरज मारवा जी, कि इतने दिनों तक आप कहाँ थे? वकील साहब, मैं एक ट्रिप के लिए लद्दाख गया हुआ था, लेकिन वहाँ अचानक लैंडस्लाइड की वजह से मैं वहाँ फंस गया। और जब मैं वहाँ से वापस लौटा और मुझे पता चला कि मेरे भाई सूरज ने नीरज बनकर केडी को फंसाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और फिर आपकी बहन शालिनी और आपकी मंगेतर शीतल। एग्जैक्टली, जैसे सूरज ने केडी को फंसाया, ठीक इसी तरह उसने उन लोगों को भी नीरज बनकर ही धोखा दिया है। वो लोग समझ रहे थे कि मैं मारा गया। योर ऑनर, मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि ये किसी का रचा हुआ षड्यंत्र है। अ मोमेंट ऑफ पॉज प्लीज मिस्टर पाठक। माना कि नीरज नहीं मरा, लेकिन सूरज मरा तो, और वो भी आप ही के हाथों। इंसान भले ही बदल गया हो, लेकिन जो सबूत है वो तो अपनी जगह पे ही है। ये गन, ये लैपटॉप जिसमें वो स्टिंग ऑपरेशन है, ये सारे सबूत तो जुड़वा नहीं हो सकते ना पाठक साहब। जयसवाल साहब, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारे सबूत प्लांट किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। इतने बड़े खुलासे के बाद भी आप यही सोच रहे हैं कि मैंने मारा है सूरज मारवा? जी हाँ, क्योंकि आपके पास वजह है उसे मारने। समझ में सिर्फ इतना नहीं आ रहा है कि सूरज मारवा, जिसे आप पहचानते भी नहीं है, एक अनजान आदमी आपको क्यों फंसाना चाहेगा? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी खोज रहा हूँ। इस समय संभवतः मेरे सहायक वरुण आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाए। वरुण, तुझे केडी के खिलाफ गवाही देनी होगी। पहले मुझे ये बता कि तू कौन है इन सबके पीछे? पीछे कौन है बेटा, ये रहने दे, ये देख कि आगे कौन है। तेरी खोपड़ी के आगे ये बंदूक, इसे जैसा कहता हूँ वैसा कर, ये तो पॉइंट ब्लैंक से गोली मारूंगा तुझे। Your Honor, सच में एक साजिश है। कल एक आदमी मुझे गन पॉइंट पर उठाकर ले गया और फिर Your Honor, अदालत में ऑडियो रिकॉर्डिंग मायने नहीं रखती। डबल ढोलकी है? आपसे नहीं कह रहा मैं, पूछ रहा हूं आपसे कि अगर अदालत में ऑडियो रिकॉर्डिंग मायने नहीं रखती मिस्टर जायसवाल, तो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लेकर आए हैं आंसरिंग मशीन पर, उसे अदालत कैसे मान ले? ऑडियो के साथ विजुअल भी तो है ना पाठक साहब, वो स्टिंग ऑपरेशन वाला लैपटॉप में। राइट योर ऑनर, मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग झूठा है, बनावटी है।
इस रिकॉर्डिंग में मैंने एक बार भी रिश्वत शब्द का प्रयोग नहीं किया। रही बात सूरज मारवा की कही बातों की, तो इस वीडियो रिकॉर्डिंग में सूरज मारवा के होंठ नहीं नजर आ रहे हैं ऑनर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उसके पीठ पीछे से की गई है। जो वाक्य इस वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डेड है, हम कैसे मान ले कि ये वाक्य सूरज मारवा ने कही है? योर ऑनर, नीरज मारवा का बयान, वरुण का बयान और जो दलील मैंने पेश की, मानता हूं कि इतने सख्त नहीं कि इसके आधार पर अब मुझे इस केस से रिहा करे, किंतु ये इतने कमजोर भी नहीं कि आप मुझे इस केस में जामीन न दे सके। योर ऑनर, मैं अदालत से जामीन की निवेदन करता हूं। इट्स नॉट पॉसिबल पाठक साहब, एक मर्डर अक्यूज को जमानत नहीं मिल सकती, आपको सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। मिस्टर जायसवाल, इस अदालत में जज मैं हूं या आप? आप? योर ऑनर, तो ये फैसला आप मुझ पर छोड़ दें तो मेहरबानी होगी, प्लीज। तमाम सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए और मिस्टर केडी पाठक का बेदाग रिकॉर्ड देखते हुए, ये अदालत इन्हें इस केस के सिलसिले में 51,000 की जमानत पर फिलहाल इस कस्टडी से बेल देती है। लेकिन इस केस की अगली सुनवाई आज से ठीक 3 दिन बाद 3 बजे होगी, वेनसडे 29th May 2012। इन शॉर्ट मिस्टर पाठक, आपके पास 3 दिन हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। इस दौरान आप इस शहर को नहीं छोड़ सकते और आपका पासपोर्ट दिल्ली पुलिस के हवाले रहेगा। एम आई क्लियर? द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। जायसवाल, उल्टी गिनती शुरू सर, अगले 3 दिन बहुत मुश्किल होने वाले। क्रिया, यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे जो तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुमने मेरे भाई को मारा है, तुमने सूरज भैया को मारा है। वो बुरे जैसे भी थे, लेकिन थे तो मेरे भाई ना। और नीरज भैया, आप इनका साथ क्यों दे रहे हो? शालू, केडी ने सूरज को नहीं मारा है। ठीक है, पछताओगे आप, देख लेना, पछताओगे आप। हमारे पास एक आखिरी सुराग बचा है, वो व्यक्ति जिसने तेरा अपहरण किया था, तुझे याद है वो तुझे लेकर कहाँ गया था? हाँ सर, वो एक पुराना घर था, दोबारा वहाँ गया तो उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला सिवाय इस पेपर के, जिस पर उसने मुझे नीरज का पता लिखकर बताया था। मैंने चुपके से अपने पास रख लिया। ये तो किसी रेस्टोरेंट का आधा फटा हुआ बिल है। होटल का एड्रेस नहीं है इसमें? नहीं, नाम है सिर्फ, गुडलक रेस्टोरेंट। लेकिन केडी, दिल्ली में तो गुडलक नाम के 200 रेस्टोरेंट होंगे। ये तो है। वो डिक्टाफोन है तेरे पास? हाँ सर। मैंने अदालत में इस रिकॉर्डिंग में कुछ सुना था। शीतल, शीतल पुलिस को फोन करो, केडी पाठक मुझे मार डालेगा। मैं उसके साथ पुराने किले पर। क्या सर? सुन, लैपटॉप के बारे में जान गया है। आजान की आवाज है, मार डालेगा। फिर से सुन। शीतल, शीतल पुलिस को फोन करो, केडी पाठक मुझे मार डालेगा। मैं उसके साथ पुराने किले पर हूँ। पुराने किले पर जहाँ सूरज की लाश पाई गई, उसके आसपास कोई मस्जिद नहीं। इससे स्पष्ट है कि सूरज ने यह फोन कॉल पुराने किले से नहीं, कहीं और से किया था। गुडलक रेस्टोरेंट।
एक्सक्यूज मी, ये आदमी आपके यहाँ खाना खाने आता है? नहीं, नहीं जानता मैं इसको। देखिए भाई साहब, इसका पता ढूंढना बहुत जरूरी है, जरा सोच के बताइए। नहीं, इसे पहले मैंने कभी नहीं देखा। आप लोग चाय पानी कुछ लेंगे? धन्यवाद। I'm very sure. इसे पता है लेकिन बता नहीं रहा है। केडी, मुझे तो लगता है इतने बड़े मोहल्ले में एक आदमी को ढूंढना ऐसा ही है जैसे रुई के ढेर में सुई को ढूंढना। सुई मिल गई। Oh shit. वो देख, टोपाज इलेक्ट्रॉनिक्स। वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप है। हाँ, लगता है तूने एविडेंस ध्यान से जांचा नहीं। सूरज ने जिस लैपटॉप पर वो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके पीछे इसी दुकान का लेबल लगा हुआ। चल। एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए? क्राइम ब्रांच। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ दिन पहले यहाँ एक कॉम्पैक मॉडल लैपटॉप रिपेयर के लिए आया था। कॉम्पैक मॉडल? सर, मुझे रजिस्टर में चेक करके देखना होगा। चेक करिए। सर, कौन सा कार्ड दिखाया आप? मेरे रोटरी क्लब का मेंबरशिप कार्ड है। सर, ये कॉम्पैक का एक लैपटॉप आया था चेकिंग के लिए। थैंक यू। हेलो, क्या? लेकिन गुडलक वाले को तो मेरे पीछे पड़े, बचाओ मुझे। मैं नेहरू पार्क के पास हूं, जल्दी आओ। अब मैं पकड़ा गया ना, तुम्हारा नाम भी बोल दूंगा। रुको रुको, गाड़ी रुको रुको। उस्मान कौन था गाड़ी में? किसने मारा है सूरज को? उस्मान बोलो, उस्मान किसने मारा है सूरज को? उस्मान, उस्मान केडी सर, आपने जब उस्मान से पूछा तो उसने हमारी तरफ इशारा क्यों किया? और उस गाड़ी में कौन हो सकता है? इसी फोन से इसने अपने बॉस से बात की थी, यही नंबर होगा। ये धुन तो, ये धुन क्या सर? ये धुन मैंने पहले सुनी है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ये नंबर है वरुण, इसके बॉस का पता लगा। नीरज, एम्बुलेंस बुला।
इतने टेंस क्यों हो रहे हो नीरज? तुम समझ नहीं रही हो शीतल, केडी की जमानत खत्म होने में सिर्फ एक दिन बचा है, और अगर कल केडी ने कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया तो फिर से जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। घबरा मत नीरज, बस एक बार वरुण को उस कैसे मिल गया नंबर, मैं रॉली के एक फार्म हाउस का नंबर है। Let's go. Hello. सही जगह पर आए और सही व्यक्ति से मिल रहे। हैंड्स अप। बिना इजाजत किसी की प्रॉपर्टी में घुसने की सजा जानते हो? हाँ जानता हूं, सेक्शन 105 और 441 के तहत प्रोसिक्यूशन। किंतु प्रश्न मेरा यह है कि क्या आप जानते हैं कि आईपीसी दफा नंबर 302 के तहत आपके साथ क्या हो सकता है? हत्या की सजा। हत्या? जी हत्या। ओए किसकी हत्या? What do you mean? नहीं मैं ये पूछ रहा था आपसे कि उस्मान खान को तो जानते ही होंगे आप, जानते? उस्मान खान? हाँ। की कम की है उदनाल? ये आप उदनाल की काम है, ये आप ये नल्ली नीचे करोगे तो बताऊंगा। अरे सर सर गोली मत चलाना, हमारे साथ ही है ये। टुगेदर। ओए कौन हो, कौन तुम लोग है, वो चाहते क्या हो? वो बुलाओ पुलिस को भी। हाँ बुलाइए ना, हमारा एक फोन कॉल बच जाएगा। हाँ जी ये तो उस्मान ही है, वो जी मेरा पुराना ड्राइवर। पर जी एक महीने पहले ही उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, उसके बाद में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। उस्मान के पास जो मोबाइल फोन हमें मिला उसका नंबर 9211-64647, ये नंबर संभवतः आप ही के नाम पर रजिस्टर्ड है, आप ही का फोन है, आप कह रहे हैं कॉन्टैक्ट नहीं था। आप ही का नंबर है ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि इसी नंबर के बलबूते पर हम आपकी मेहरौली वाले फार्म हाउस तक पहुंचे थे। आप ही का नंबर है या नहीं? हाँ जी ये तो वही नंबर है जी जो मैंने उस्मान को फोन दिया था, वो जी जब वो मेरी नौकरी करता था, मेरा ड्राइवर था, तब मैंने उसको फोन दिया था, इसलिए ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। तो जी मैं उसको डिस्कनेक्ट कराना भूल गया। एक मिनट, वो आप कहना क्या चाह रहे हैं? उस्मान को मैंने मारा है, मैंने मर्डर किया है? नहीं नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस्मान को और उससे पहले सूरज मारवा को भी आप ही ने मारा है। ओ जी अभी ये सूरज मारवा कौन है? ओ मैं किसी सूरज मारवा को जानता ही नहीं हूँ। आप सूरज मारवा को नहीं जानते? हाँ जी। एक वस्तु है मेरे पास ब्रिगेडियर साहब, इसे आप अवश्य जानते होंगे, पहचानते होंगे। इस रिवॉल्वर को तो पहचानते होंगे आप? हाँ जी ये तो मेरी रिवॉल्वर है, पर ये अदालत कैसे पहुंची जी ये मेरे को नहीं पता। ये अदालत में बतौर साक्ष्य, बतौर एविडेंस आई है, क्योंकि इसी रिवॉल्वर से निकली गोली से सूरज मारवा की हत्या हुई। जी ये एक्चुअली ये रिवॉल्वर ना मेरे घर से चोरी हो गई थी 1.5 महीने पहले। अच्छा, ओ हो सकता है जी उस्मान ने चुराई हो। हाँ क्यों नहीं हो सकता, ये इसकी चोरी की रिपोर्ट तो आपने अवश्य लिखवाई होगी पुलिस में, नहीं लिखवाई? नहीं जी, वो एक्चुअली जी मेरे पास ना ऐसी बहुत सारी गन्स हैं, एंटीक पीसेस, और फिर इसकी रिपोर्ट तो जी मैं क्या कर रहा था, मेरे को लास्ट वीक ही इसकी खबर लगी है,
वो भी तब जब मैंने अपना ड्रॉअर चेक किया और उसमें इसको मिसिंग पाया तब। तो लास्ट वीक रिपोर्ट लिखवाई होगी आप? लिखवाई थी वो जी, सही कह रहे हैं जी, नहीं कराई, लेकिन मैं कराने वाला था जी, मैं लेकिन भूल गया। भूल गए आप? भाई योर ऑनर, मैं एक वार वेटरन हूं, फौजी आदमी। योर ऑनर, मैं आर्मी से रिटायर हूं, मेंटली रिटायर नहीं हूं। वकील साहब, मैं अपने ही देश के किसी नागरिक की हत्या कैसे कर सकता हूं, एंड वो भी वो आदमी जिसे मैं जानता तक नहीं, विदाउट एनी रीजन? वाई जी? सीरियसली मिस्टर पाठक, क्यों आप एक इज्जतदार डेकोरेटेड ब्रिगेडियर को खामखा इस केस में घसीटना चाहते हैं? चलो मान लेता हूं मैं कि ये गन ब्रिगेडियर साहब की ही है, लेकिन मान लो कि कल को अगर मैं डीटीसी बस को अगवा करके आपके पैरों पे चढ़ा दूं, आपको घायल कर दूं, तो आप किसको दोष देंगे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट को या मुझे? पाठक, ये गन किसी की भी हो, मरा कोई भी हो, कि मारा तो आप नहीं है, ये आपका भूल जाना, ये याददाश्त खो जाना, व्हाटएवर व्हाटएवर का जो भी है वो सब नाटक है, ढोंग है। और इस बात को इसी अदालत में दो लोगों ने साबित भी किया है, झुठला कर आपकी इस बात को। रिमेम्बर? ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर, हाउ कैन आई फॉरगेट? मूनलाइट कैफे का वेटर कल्पेश सर, आप कब बेहोश हुए थे? आप तो खुद वहां से उठ के चले गए थे। वो रिक्शा ड्राइवर रीला राम जी साहब यही थे, यही कुछ 7:30 बजे मेरी रिक्शा में बैठे और बोले कि पुराना किला ले चलो। योर ऑनर, क्यों ना एक बार मैं रीला राम जी को और उसके बाद कल्पेश जी को बुलाकर उनसे जरा वार्तालाप करूं, आपकी आज्ञा हो तो। इजाजत है। ड्रैग इट एज मच एज यू कैन। रीला राम जी, उस दिन ठीक 7 बजे आपने मेरी सवारी ली, राइट? जी। मून डांस कैफे से जो गफ्फार मार्केट में है, राइट? वहां से आप मुझे लेकर गए पुराने किले पर, राइट? रास्ते में मैंने आपके रिक्शा में लगे हुए फोटो की तारीफ की, आपसे रफी साहब के गाने बजवाए, राइट? और फिर जब मैं उतरा वहां पुराने किले पर, तो आपको 100 का नोट दिया, बोला कुछ रे रख लो टिप, राइट? जी हाँ, ऐसे हुआ था। रूपांतर में अब तक कोई गलती नहीं? जी नहीं। वेरी गुड। ये बताइए कि 7 बजे गफ्फार मार्केट के मून लाइट कैफे से मेरी सवारी लेने से पहले आपने कौन सी सवारी ली थी? सर वो याद करिए, समय लीजिए। वो मुझे याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने मुझसे पहले एक मिस्टर अजय बर्मन की सवारी ली थी, कनॉट प्लेस के स्वास्तिक टावर से उन्हें अपने घर छोड़ा था जो शास्त्री मार्केट में है। स्वास्तिक टावर्स के वॉचमैन की बुक में आपकी रिक्शा का नंबर लिखा हुआ है। जी हाँ, हाँ ऐसा ही हुआ था। तो मेरा प्रश्न अभी आपसे ये है रीला राम जी, कि ठीक 7:45 बजे मिस्टर अजय बर्मन को शास्त्री मार्केट छोड़ा और 7 बजे आप वहाँ मूनलाइट कैफे के बाहर खड़े थे गफ्फार मार्केट। एक बात बताइए, ये समय जो होता है ये पीक ट्रैफिक का होता है जी। किसी को भी शास्त्री मार्केट से गफ्फार मार्केट पहुंचने में कम उस समय पर 1 घंटा लगता है या नहीं? जी। आपने 1 घंटे की दूरी 15 मिनट में कैसे तय कर ली? उत्सुक हूं मैं जानने के लिए, बताइए ना। जी वो रीला राम जी, या तो आप मुझे बताएंगे कि आपने 1 घंटे की दूरी 15 मिनट में कैसे तय की, या आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरे विरुद्ध झूठ बोलने के लिए किसने उकसाया, किसने बुलवाया आपसे झूठ मेरे विरुद्ध, बताइए। जी वो जी क्या? मैंने उस मान भाई के बोलने पर बोला था। ऑर्डर ऑर्डर। उस्मान भाई ने? कौन से वाले उस्मान भाई ने? इस वाले उस्मान भाई ने? जी हाँ यही थे। अच्छा, कोई इस वाले उस्मान भाई के साथ कोई सौदा भी हुआ था आपका, या दोस्ती में ही झूठ बोला था?
इन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया और वो सब बोलने को बोला जो मैंने अदालत में बोला था। सब गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, हमने तो आपको क्षमा कर दिया, अब न्यायाधीश बाबू का पता नहीं। एक गलती तो पकड़ी गई, दूसरी पकड़ने का प्रयास करते हैं। कल्पेश जी को बुलाते हैं। तो कल्पेश जी, आपके अतिरिक्त जो 11 व्यक्ति वहां मूनलाइट कैफे में उपस्थित थे उस समय, सभी ने अपने कथन में कहा कि मैं बेहोश नहीं हुआ था। जी। अब आपको मिलाकर 12 व्यक्ति हो गए। हाँ, और आप 12 व्यक्तियों के बारे में हमने कुछ कुछ जानकारी प्राप्त की। ये पता लगा है कि कुछ समानताएं हैं। एक तो ये कि आप सब हम उम्र हैं, एक ही आयु के, और दूसरी समानता ये है कि आप सब एक ही ऑफिस में काम किया करते थे, यानी कि ऑफिस रीयूनियन चल रहा था वहाँ मूनलाइट कैफे में। आप ही के कहने पर वो 11 व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे और आप ही के कहने पर उन 11 लोगों ने झूठा कथन दिया अदालत में, झूठा स्टेटमेंट, झूठा बयान दिया। क्या ये सही है या नहीं है कल्पेश जी? जी हाँ सर। तो कल्पेश जी, अब कृपया कर न्यायाधीश महोदय को बताइए कि मैं यानी कि केडी पाठक वहां मूनलाइट कैफे में बेहोश हुआ था या नहीं हुआ? नहीं सर, आप बेहोश हो गए थे सर। कैसे? दरअसल मैंने आपकी कॉफी में नशे की दवा मिला दी थी। सब आपने क्या दोस्ती खाते में किया या आपके बैंक के खाते में भी कुछ गया इनपुट? सर, मुझे उस्मान ने कहा था। उस्मान ने कहा था सर कि अगर मैं अपने दोस्तों को वहां ले जाकर वो सब करूंगा तो सर वो हम सबको 10,000 रुपए देगा। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर प्लीज। बड़ा खर्चा कर दिया उस्मान। योर ऑनर, अब किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए मेरी बेगुनाही को लेकर। योर ऑनर, लेकिन अभी तक केडी पाठक बेगुनाह साबित हुए नहीं है, क्योंकि वो गन, वो गोली और वो सूरज की हत्या, योर ऑनर, ये सब अभी तक साबित नहीं हुआ। अभियोग पक्ष महोदय, इस केस से जुड़े हर प्रश्न का एक ही उत्तर है, उस्मान खान डेड एंड, मर चुका बेचारा। हाँ, किंतु उस्मान खान की मृत्यु से भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या उस्मान खान ही ये खेल खेल रहा था या कोई और है रचयिता, तीसरा व्यक्ति। एब्सोल्युटली योर ऑनर, इस समय पर मैं अदालत से 24 घंटे की मोहलत मांगता हूं और अदालत को यकीन दिलाता हूं कि इन 24 घंटों में इस षड्यंत्र के रचयिता को अदालत के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। योर ऑनर, ऑलरेडी 3 दिन दे चुके हैं हम केडी पाठक को, और एक दिन। मिस्टर जायसवाल, इतना कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मिस्टर केडी पाठक ने सूरज मारवा को मारा होगा। लेकिन मिस्टर पाठक, जब तक आपके पास सूरज की हत्या का पुख्ता सबूत नहीं आ जाता, आप पर से यह मुकदमा खत्म नहीं हो सकता। I understand you. ये अदालत परसों दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न। वेल डन केडी, लगता है अब तुम छूट जाओगे। मैं तो छूट जाऊंगा नीरज, किंतु सूरज का हत्यारा नहीं छूटना चाहिए। ये तेरी बहन रूट कर क्यों चली? केली सर, मैं ब्रिगेडियर गुजराल के फार्म हाउस पर गया था,
वहाँ ड्राइवर्स क्वार्टर्स में जहाँ उस्मान रहता था वहाँ की तलाशी लेने के बाद मुझे हारमोनिका मिला। ये देखिए केडी सर, आपने भी हारमोनिका की धुन पहले सुनी थी राइट? हाँ याद आ गया मुझे, धुन भी और बजाने वाला भी। मथुरेश मिश्रा। कौन मथुरेश मिश्रा? मथुरेश मिश्रा साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, सीरियल किलर भी थे, उनके विरुद्ध मैंने केस लड़ा था। केडी सर, प्रोफेसर मथुरेश ने तो भरी अदालत में सबके सामने अपने आप को मार डाला था राइट? अचानक मथुरेश मिश्रा का संकेत इस केस में। सही, केस सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। सही कह रहे तू। वरुण पता कर कि मथुरेश मिश्रा और उस्मान खान के बीच में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, और जरा सचेत होकर, क्योंकि जो भी है वो जान गया है कि उसके खेल पर से पर्दा गिरने वाला है। अपने आप को बचाने के लिए वो किसी हद तक भी गिर सकता है। हेलो। हेलो केडी सर। सर मैं शालिनी बात कर रही हूँ। सर शीतल, शीतल को कोई उठा ले गया। उठा ले गए? कौन उठा ले गया? कौन पता नहीं सर। सर शीतल मेरे घर आई थी, हम दोनों मिलकर नीरज भैया से मिलने जा रहे थे। बाहर आने के बाद याद आया कि गैस ऑन रह गया था, मैं बस वो ऑफ करने गई थी, और बाहर आने के बाद देखा तो शीतल गायब। शीतल, और उस जगह कोई एक नोट छोड़ के गया। क्या लिखा है उसमें? सर इसमें लिखा है, शीतल मेरे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो केडी पाठक को उसे लेने आना होगा। हुमायूं मकबरा का दाहिना हिस्सा, आज शाम ठीक 4 बजे। पुलिस या किसी और को खबर करने की कोशिश की तो शीतल मारी जाएगी। याद रहे केडी पाठक अकेला और कोई नहीं। नीरज का है? सर नीरज भैया को फोन कर दिया है मैंने, वो बस आते ही होंगे। सर, सर अब क्या करेंगे? सर करेंगे वही जो उस नोट में लिखा है, मैं 4 बजे हुमायूं मकबरा पहुंच जाऊंगा। मैं चलता हूँ। सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं वर, उस नोट में लिखा था केडी पाठक को अकेले आना है। शीतल, 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 प्लीज मुझे बचा लो केटी, मुझे बचा लो। शीतल, शीतल, मुझे बचा लो केटी, मुझे बचा लो। शीतल कहाँ हो तुम? मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मेरी आंखों पर पट्टी है। प्लीज केटी मुझे बचा लो, केटी मुझे बचा लो। शीतल मैं यहाँ हूँ केटी, मैं यहाँ हूँ। शीतल प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा। प्लीज मुझे बचा लो केटी, मुझे बचा लो। प्लीज केटी मुझे बचा लो, केटी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। केडी सर, हाँ वरुण क्या हूँ? केडी सर आर यू ओके? आई एम ओके, आई एम ओके। मेरा बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना है, तू जा, जा पीछा कर उसका। यस सर। तो आपने उसका चेहरा नहीं देखा? जी मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने मेरे मुंह पर कपड़ा डाला और मैं बेहोश हो गई।
जब होश में आई तो मैं बंधी हुई थी, आंखों पर पट्टी थी। तो आपने उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देखा? जी नहीं। लेकिन जब आपको आते सुना तो मैं आपको पुकारने लगी, लेकिन जब आपको गोली लगी तो मैं डर गई। अद्भुत बात है शीतल जी कि आपने अपने हमलावर को नहीं देखा, क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी लेकिन आपने मुझे आते हुए देख लिया। हो सकता है कि आपने मेरे आने की आहट पहचान ली हो। प्रश्न ये उठता है कि आपको कैसे पता कि वो गोली मुझे लगी? उसी समय ना जाने किसी ने मेरे हाथ खोल दिए और मैंने अपनी आंखों की पट्टी उतारी। फिर मैं वहां से निकल ही रही थी कि वरुण मेरे सामने आ गया। बस इतना ही मालूम है मुझे। योर ऑनर, अगर मिस शीतल को कुछ पता ही नहीं तो फिर उनकी गवाही का कोई मतलब ही नहीं। आई एम सॉरी। नहीं, नो प्रॉब्लम शीतल जी। इसमें आपकी क्या भूल है, आप तो बेबस थी, आपके हाथ बंधे हुए थे, आप स्वयं बंधी हुई थी, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, आपकी कोई भूल नहीं, कोई गलती नहीं। एक प्रश्न है आपसे, आप पूरे विश्वास के साथ कह सकती हैं कि वो जो व्यक्ति जिसने आप पर हमला किया वो कोई मर्द ही था, औरत नहीं, ये कंफर्म कह सकती? एक्चुअली कुछ कह नहीं सकती, किडनैपिंग के दौरान उसने एक भी लफ्ज नहीं कहा, इसीलिए मैं। ऊप्स। बोलिए बोलिए, आपने बोलना क्यों बंद कर दिया अचानक? जी वो आपने अचानक पेंसिल तोड़ दी तो मैं चौंक गई। आई एम सो सॉरी शीतल जी। तो विचित्र बात है कि मेरे एक पेंसिल तोड़ने से आप इतना चौंक गई और आपकी बोलती बंद हो गई, किंतु उस दिन जब गोली चली तो गोली की आवाज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप बोलती रही। मुझे पता नहीं मैं कहां हूं, मेरी आंखों पर पट्टी है, प्लीज केडी मुझे बचा लो, केडी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, केडी मुझे बचाओ, केडी मुझे बचाओ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा गोली की आवाज से? क्या मतलब है आपका, मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ ना। देखिए शीतल जी, केडी पाठक का सामान्य ज्ञान इतना कमजोर भी नहीं कि उसे एक मनुष्य के स्वर, उसकी आवाज और एक रिकॉर्ड किए हुए आवाज का अंतर ना पता चले। आवाज आप ही की थी उस दिन, लेकिन रिकॉर्ड की हुई, रिकॉर्डर कहीं दूर पड़ा हुआ था और आप मेरे पीछे थी। ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अचानक किसी ने आकर आपके हाथ खोल दिए, सारी रस्सियां उतार दी, आपने स्वयं अपने आंखों पर से पट्टी उतार दी, वहां से भागने लगी। किसने किया ये सब? हुमायूं टूम में आपके अतिरिक्त और कोई तो था नहीं वहां, और फिर वो आपका अपहरण करता वो कहां उजहल हो गया अचानक? कहीं ऐसा तो नहीं शीतल जी कि अपना अपहरण आपने स्वयं ही किया हो? क्या मैं खुद का किडनैप करवाऊंगी? हाँ। आप कह क्या रहे हैं, आप जानते भी हैं? आप तो बुरा मान गई शीतल जी, आई एम सो सॉरी। चलिए ना, छोड़िए, जाने दीजिए ये सब बातें। ये बताइए कि आपका उपनाम क्या है? सान्याल। शीतल सान्याल, राइट। आप उस्मान खान को जानती थी? नहीं। मथुरेश मिश्रा को जानती थी? जी नहीं। अब मैं आपको मथुरेश मिश्रा और उस्मान खान के बीच के संबंध के बारे में बताता हूँ। हुआ ये कि उस्मान खान ब्रिगेडियर गुजराल के साथ काम करने से पहले मथुरेश मिश्रा जी के यहाँ काम करते थे। 15 वर्षों की वफादारी थी उनकी। और एक केस मुझे याद है, मैं लड़ रहा था मथुरेश मिश्रा जी के विरुद्ध और भरी अदालत में मथुरेश मिश्रा जी ने अपनी गर्दन की नसें काट ली थी। दुर्भाग्यवश इसमें मेरी कोई भूल नहीं थी शीतल जी, इसी कारण उस्मान खान को दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ी। अब मथुरेश मिश्रा जी के पिताजी का उपनाम स्पष्ट है कि मिश्रा ही था, किंतु उनकी माताजी का उपनाम सन्याल, आपका उपनाम है। आप
शीतल जी मथुरेश मिश्रा की बहन है, छोटी बहन। और इससे पहले कि आप इस बात से इनकार करें, योर ऑनर, आपके मेज पर एक फाइल रखी हुई है जिसमें जमशेदपुर के एक छात्रालय से हमने सूची मंगवाई है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स, क्लास रिजल्ट्स इत्यादि इत्यादि इत्यादि। शीतल जी, अपराधी का अपराध चाहे जितना बड़ा हो, कानून कभी उसकी जान लेना नहीं चाहेगा। ये एक दुखद घटना है कि आपके आपके भाई साहब ने अदालत में आत्महत्या की और आपने मुझे इसका उत्तरदायी समझा। मैं समझता हूं कि इसी का बदला लेने के लिए आपने यह षड्यंत्र रचा, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके भाई की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं था। लेकिन कारण कौन था? कारण कौन था? तुम थे वो कारण, तुम थे वो कारण। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने एक कदम उठाया, तुमने उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। सबके सामने, इन सब के सामने जिल्लत भरी मौत। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। उस दिन से मैं अपनी भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी तुमसे। केडी पाठक, केडी पाठक। सूरज मुझे चाहता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि अगर वो मेरा इस प्लान में साथ देगा तो मैं नीरज को छोड़कर उससे शादी कर लूंगी। उसी प्लान के तहत सूरज तुम्हें दिल्ली लाया और उस्मान ने मेरे कहने पर सारा जाल बिछाया और तुम्हें बेहोश करवाकर पुराने किले पर ले गया और सूरज को मैंने ही अपने फोन की उस आंसरिंग मशीन पर वो रिकॉर्डिंग छोड़ने को कहा और फिर उसने शूट हुए वीडियो का डबिंग भी किया तुम्हें और फंसाने के लिए। अगर सूरज नहीं मरता तो तुम जेल कैसे जाते केडी? मैं इसी कटघरे में तुम्हें खड़ा देखना चाहती थी, बेइज्जत होते देखना चाहती थी जहां तुमने मेरे भाई को खड़ा किया था। इसीलिए मैंने शीतल, तुमने जैसा कहा था मैंने वो काम कर दिया। केडी मेरे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन शीतल हम कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। फिर मैंने वरुण को उस्मान के जरिए धमकाने की कोशिश की, लेकिन जब ये प्लान भी काम ना आया तो मैंने तुम्हें मारना चाहा केडी पाठक। लेकिन मेरी ये प्लानिंग भी फेल हो गई। इससे पहले कि तुम मुझ तक पहुंचते मैंने उस्मान को भी मार डाला। जब मुझे लगा कि तुम इस केस से छूट जाओगे तो मैंने अपना आखिरी मोहरा इस्तेमाल किया, अपने आप को, और तुम्हें मारने के लिए मैंने तुम्हें अकेले बुलाया। लेकिन मैं वहां भी नाकामयाब हो गई। The defense rests, Your Honor. ये अदालत मिस शीतल सन्याल को मिस्टर सूरज मारवा और उस्मान खान के कत्ल में दोषी मानते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर केडी पाठक को मिस्टर सूरज मारवा के कत्ल में बेगुनाह पाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है।
द केस इज क्लोज। मेरे भाई का बदला भी पूरा नहीं हुआ केडी पाठक, याद रखना। केडी पाठक कभी कुछ भूलता नहीं है मैडम। वैसे अच्छा बजा लेती हैं, ये लीजिए आप ही के विरासत का है। जेल में आपके सह बंदियों के मनोरंजन के साथ साथ आपका रियाज भी होता रहेगा। ऑल द बेस्ट। केडी सर। अरे तू तो भावुक हो गया। जायसवाल साहब को विदा कर देते हैं। जायसवाल साहब थैंक यू वेरी मच। पाठक। अरे जायसवाल साहब आप भी भावुक हो गए। अरे मैंने तो शुरू में ही कह दिया था पाठक कि ये केस तुम जीतने वाले हो। देखो वही हुआ है? कैसा आदमी है यार ये। मैं राइट और मैं राइट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.